नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरी ओर से भी हमारे सभी दर्शकगणों को बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है और ये जो मासिक राशिफल है ये माह अगस्त 2021 का है, आने वाले महीने का। और आपको बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को कि माह अगस्त का जो ये जो राशिफल है आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रह सकता है। साथ में उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, उपाय भी छोटे छोटे बताएंगे आपको ज़रूर। अगर आपने वो किए तो आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में जो माह अगस्त में स्थिति बन रही है उसके विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं हम। तो आइए उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। सूर्य जो हैं वो 16 अगस्त को अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूर्य 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे जहाँ पर पहले से ही मंगल है। तो जब वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मंगल 17 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे कर्क से निकल करके, अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, और 15 अगस्त को पश्चिम में उदय भी होंगे तथा 26 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से निकल के। लगभग 10 दिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में, कन्या राशि में, और लगभग 19 दिन मंगल के साथ रहेगी सिंह राशि में। गुरु जो हैं वक्री अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका चलता रहेगा। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महीने, और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में माह अगस्त में। अब हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातक हैं कि उनके अगस्त माह का जो ये राशिफल है 2021 का क्या कहता है आपके लिए। सबसे पहले चर्चा होगी आपके व्यवसाय को लेकर के, प्रोफेशन को लेके। तो देखिए, आपके जो प्रोफेशन के लॉर्ड हैं, करियर के जो लॉर्ड हैं, वो मंगल हैं और मंगल अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं। हालांकि केतु आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं जो आपका करियर का हाउस है, राहु की दृष्टि में है, इस प्रकार का योग बना हुआ है और केतु भी यहाँ बैठ करके कोई अनिष्टकारी योग देंगे नहीं, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। केतु भी ठीक है, यहाँ पर कोई उनकी तरफ से अनिष्टकारी योग नहीं बन रहा है, अनिष्ट फलों की प्राप्ति आपको नहीं होगी इस माह अगस्त में। कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातकों को मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इतना तो अवश्य है कि क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है तो देखिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रगल तो आपको रहेगा, बनेगा तो स्ट्रगल तो करना भी चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और आप करेंगे भी निश्चित रूप से करेंगे। आप ग्रह बोल रहे हैं, आप करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव ना हो, अपने कार्य को लेकर के एग्रेसिव बिल्कुल ना हो, अपना पेशेंस बना करके रखें, धैर्य से काम करें, धैर्य बना करके रखें और सभी के साथ व्यवहार बहुत ही व्यवहार कुशल बन के रहें, सभी के साथ मीठा बर्ताव, मीठे बोल बोलें, अच्छा बर्ताव करें, अच्छा बिहेवियर करें और अपने काम से काम रखेंगे और मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो ये अगस्त का महीना है, आपका चाहे रोजगार है या व्यापार है, बहुत अच्छा निकल जाएगा। सबके साथ मधुर संबंध रखें, मधुर वाणी रखें, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने काम से काम और व्यवहार भी, यानी कि व्यवहार कुशल रहें, बस ये एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ इस माह अगस्त के लिए। बाकी देखिए, सूर्यदेव हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और 16 अगस्त से वो अपने परम मित्र मंगल के साथ आकर मिल जाएंगे तो एक बहुत सुंदर राजयोग बनेगा, ये बहुत सुंदर राजयोग। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि 16 अगस्त के से लेकर के 31 अगस्त तक तो आपको अच्छी सफलताओं का योग भी है,
बहुत अच्छी सफलताओं का। आप कहीं अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो कुछ अगर कुछ नया कुछ काम करना चाहते हैं तो नया काम स्टार्ट कर सकते हैं इस दौरान 16 अगस्त ऑनवर्ड्स। कुछ अच्छे सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, तो यहाँ पर बस मेहनत करते रहिए और हिम्मत रखिए, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। और महामध्य से जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, माह के अंत के बीच अच्छा परिणाम मिलने वाला है आपको अपने कार्य क्षेत्र में। अगर बात करें हम आय की, आपके इनकम की, तो इनकम के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, वो केंद्र में बैठे हुए हैं, हालांकि बकरी अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर क्या मैं देख पा रहा हूँ कि जो इनकम है आपकी वो भी सामान्य से ऊपर रहेगी, सामान्य से ऊपर, जिसको हम मध्यम कह देते हैं। इनकम आपकी मध्यम रूप से आपको होती रहने वाली है, तो इनकम को लेकर के भी आपको ज़्यादा घबरा। और हाँ, सेविंग्स आप बहुत अच्छी कर लेंगे, बहुत अच्छी सेविंग्स करेंगे आप इस माह, अगर चाहेंगे तो अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छी जगह पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से अपना सेविंग्स आप कर सकते हैं इस माह। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे इस माह, आप कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातकों के। बस आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ इतना कि परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ, बस मैंने कहा वाणी का ध्यान रखना है, वाणी बोल बस ये नरम रखिए, सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, आगे अब आपको बताते हैं जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है समय। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी समय ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा समय है। और मैं तो बल्कि यहाँ तक कह रहा हूँ कि 16 अगस्त के बाद यानी महामध्य से और महाअंत के बीच में आपको अपनी एजुकेशन को लेकर के या उनके परिणामों को लेकर के कुछ आपको कोई अवार्ड वगैरह भी, कोई पुरस्कार आदि की प्राप्ति भी हो सकती है। बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं अगस्त माह मध्य से अंत के बीच में छात्रों को। प्रेम संबंधों की बात भी भाई अगर मैं देख रहा हूँ कुंभ लग्न बहुत अच्छी स्थिति है, आप अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद, मैं बता रहा हूँ 16 अगस्त यानी कि महा मध्य के उपरांत और महा के अंत के बीच, जो भी अगर आप अपने प्रयास करते हैं अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, तो आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, सफलता दिखाई दे रही है। और हाँ, इससे आगे भी बढ़ करके मैं बताता हूँ, अगर आपके पहले से ही कहीं आप रिलेशनशिप में हैं और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मैरिड लाइफ में, तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगा 16 अगस्त ऑनवर्ड्स। ये एक बहुत अच्छी खबर आप कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं देख रहा हूँ। और विवाहित संबंध कैसे रहेंगे, विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध, तो देखिए थोड़ी बहुत तो जरूर नोक झोंक चलती रहेगी, लेकिन प्यार मोहब्बत बना रहेगा, प्यार मोहब्बत में कमी नहीं आएगी। नोक झोंक तो बराबर रहेगी लेकिन प्यार भी उतना ही रहेगा आपस में, और ये बहुत अच्छी बात है। और संतान के विषय में बात कर लूँ, संतान के विषय में बात अगर मैं करूँ तो संतान का ऐसा है कि बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है महामध्य के उपरांत और माह के अंत के बीच में, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति। अंत में बचता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है देखिएगा, माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच स्वास्थ्य आपका नरम रहेगा, आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य अपने हेल्थ का। हालांकि आगे भी स्वास्थ्य तो आप स्वास्थ्य की ओर से तो थोड़ा परेशानी रहेंगे, लेकिन माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेके कुछ अधिक परेशानी रहेंगी, ज़्यादा परेशान होंगे, महामध्य से माह के अंत कुछ कम परेशानियाँ होंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी बनी रहेगी, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए एक तो शनि के साढ़े साथी के उपाय अवश्य करते रहिए, स्वास्थ्य भी आपका उससे उसमें सुधार आएगा, जो मैं हमेशा बताता हूँ शनि के साढ़े साथी के उपाय वो आप करें, और दूसरे उपाय वो छोटे छोटे मैं बता देता हूँ आपको, वो है कि शुक्रवार के दिन गौ माता को अपने हाथ से रोटियों पर देसी घी रख करके साथ में कुछ चीनी या बर्फी रख के गौ माता को खिलाएं प्रत्येक शुक्रवार, और प्रत्येक दिन ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का करें जाप, एक माला कम से कम, नहीं तो 3 या 5 माला
ये हुआ। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, सरसों का तेल का दीपक जला करके वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तो ये था उपायों के साथ आप कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों का महावर्ष 2021 का राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।